हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम, शिबू के किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल सी रेसिपी जिसे हम कोकोनट लड्डू कहते हैं। तो इस डिश को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स लगेंगे वो हम आपको लाइन वाइज बताएंगे, तो हमारी वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई को फ्लेम पे रखा है। अब हम उसमें एक चम्मच घी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 3 कप सूखे नारियल का बुरादा लिया है, वो भी ऐड करेंगे। हमने फ्लेम को जो है वो लो ही रखा है। अब हम इसे भून लेंगे अच्छी तरीके से। हमें नारियल के बुरादे को जो है हल्का कलर चेंज होने तक भूनना है और अच्छी सी खुशबू आए ताकि उसमें से। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि नारियल के बुरादे का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है और नारियल के बुरादे की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम उसमें 1 कप शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर मेल्ट होने तक अच्छी तरीके से भून लेंगे। शक्कर मेल्ट होने तक हमें नारियल के बुरादे को है अच्छी तरीके से भून लेना है लो फ्लेम पे। अब हम इसमें 2 कप दूध ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 2 कप दूध डाला है। अब हम कंटिन्यूस चम्मच को जो है चलाते रहेंगे ताकि दूध जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो गाइस, हमने चम्मच को कंटिन्यू चलाया है और दूध जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसमें 3 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे जिससे बहुत ही बेहतरीन स्वाद आता है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं जिससे लड्डू का जो है बेहतरीन स्वाद आता है। ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे नहीं डाला है, हम इसे ऐसे ही बना कर लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कंटिन्यूस चम्मच चलाया है और मिक्सचर जो है वो कढ़ाई से छूट रहा है। अब हम फ्लेम को जो है ऑफ करेंगे। अब हम मिक्सचर को जो है प्लेट में निकाल लेंगे और उसे हल्का ठंडा होते रखेंगे, एकदम भी ठंडा नहीं करना है। तो गाइस, मिक्सचर जो है वो हल्का ठंडा हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बना कर लेंगे। देखा गाइस, इसी तरीके से लड्डू बना लेने हैं। अब हम लड्डू को ऊपर से कोटिंग करेंगे सूखे नारियल के बुरादे से जिससे दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। तो देखा गाइस आपने किस तरीके से हमने लड्डू तैयार करने। तो बस इसी तरीके से सारे मिक्सचर की जो है लड्डू बना कर लेंगे। तो लीजिए गाइस, कोकोनट लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। लोग इसे अक्सर दिवाली या नवरात्रि पर बनाया करते हैं। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।